नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पैसा ट्रांसफ़र करना दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में पैसा किस तरह से सेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपके मोबाइल से या आपके अकाउंट में से कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं कटेगा। जितना पैसा आप सेंड करना चाहें उतना पैसा आप आसानी से सेंड कर सकते हैं और इसका चार्ज बिल्कुल भी आपके मोबाइल से या फिर आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेगा। अगर आप किसी दूसरे तरीके को अपनाते हैं तो उससे आपका चार्ज कटता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पैसा भेजने से कुछ चार्ज कटता है और मैं आज आपको एक ऐसा तरीका दिखाऊंगा जिससे कुछ भी चार्ज आपके मोबाइल से नहीं कटेगा। तो दोस्तों, मैं एमपी से यूपी में पैसा सेंड करके आपको दिखाऊंगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, भीम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और भीम एप्लीकेशन को आप अकाउंट बनाना नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो यानी हमारे चैनल पर जो वीडियो हैं उनमें मैंने आपको दिखा रखा है किस तरह से आप अकाउंट बनाते हैं। और जैसे ही आप सबसे पहले इसमें इंटर होंगे, इंटर होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ भेजें यानी यहाँ सेंड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस सेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ए अकाउंट और IFSC पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बैंक फेच कर रहा है ये लिखा आएगा कुछ देर के लिए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, उसको आपको अच्छे तरह से फिल कर लेना है। और ध्यान रहे दोस्तों, आप जब भी ऑप्शन फिल करेंगे तो उसमें आपकी कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैसा जो है किसी भी अदर व्यक्ति को पहुंच सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी बैंक हैं इंडिया में वो सारी बैंक आ चुकी हैं। आपको जिस बैंक अकाउंट में पैसा सेंड करना है उसको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो मुझे स्टेट बैंक में करना है तो मैं स्टेट बैंक यहाँ से ढूँढ लेता हूँ। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये रहा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको उस बैंक का IFSC कोड भर लेना है, तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ लाभार्थी का नाम यानी बैंक अकाउंट किसके नाम से है वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैं ये पैसा मेरे रिलेशन में रहने वाले हैं वृंदावन यूपी में भेज रहा हूँ और MP से उस पैसे को मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये नाम लिख लिया है और लिखने के बाद दोस्तों आपको अकाउंट नंबर लिखना है, यानी दो बार आपको अकाउंट नंबर लिख लेना है। जो खाता नंबर होता है पासबुक में वो यहाँ पर डाल लेना है दो बार। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अकाउंट नंबर लिख लेता हूँ। और एक बार और आपको यहाँ पर फिल कर लेना है यानी दो बार भरना है। तो जैसे ही आप इसमें दूसरी बार भर लेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन राइट का निशान आ जाएगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको भेजें यानी सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश कर रखा है तो यहाँ सेंड का ऑप्शन आएगा और नहीं तो हिंदी का आएगा। यहाँ पर हिंदी भेजने का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपसे अमाउंट भरने के लिए बोला जा रहा है यानी आपको कितने रुपए सेंड करना है। तो मैं यहाँ पर अभी 10,000 रुपये सेंड करने वाला हूँ। तो 10,000 रुपये मैंने जैसे यहाँ पर फिल किए हैं और इसके बाद दोस्तों आप चाहें तो इसको भविष्य के लिए सेव करके रख भी सकते हैं। तो अब आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर भुगतान करें यानी इस ऑप्शन पे, ये ब्लू ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बार पुष्टि करने के लिए बोल रहा है यानी कंफर्म कर लीजिए कि आप पैसा सेंड करने वाले हैं। तो हम पुष्टि करें पे क्लिक जैसे ही कर देंगे तो यहाँ से हमें जो पिन UPI होता है हमारा, जो हमने पासवर्ड लगा रखा है, वो पासवर्ड 6 अंकों का यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने भीम ऐप को बनाते समय एक पासवर्ड बनाया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ। जैसे ही वो पासवर्ड इंटर करेंगे और राइट के निशान पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो पैसा है वो सेंड हो जाएगा अभी कुछ देर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा आ गया है पैसा भेजा गया।
तो वो पैसा भेजा जा चुका है। इस तरह से दोस्तों आप एक भी रुपये इसमें कटा नहीं है और आसानी से पैसा सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे।